अस्सलामु अलैकुम, माई नेम इज़ उसामा मजीद। टुडे माई लेक्चर इज़ फॉर क्लास वन स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6, ऑन द बस। बस पर वर्ड्स मीनिंग है ब्रिज, पुल, बस स्टेशन, बस अड्डा, पैसेंजर्स, मुसाफिर, सीट, नशिस्त, इनसाइड, अंदर, अम्ब्रेला, छतरी, वेरी फास्ट, बहुत तेज़, ड्रीमिंग, ख्वाब देखना, लुक आउट, देखकर, काओ, गाय, गेट्स आउट, बाहर निकलना, पीपल, लॉग, क्लैप, ताली बजाना, होल्ड्स, थामना या पकड़ना, शाउट, चिल्लाना, मूव, हिलना, पासिंग, गुजरना, सीज, देखना, लाफ्स, हंसना, कट्स, काटना, सम ग्रास, कुछ घास, नियर, पास या करीब, कम, आओ, सेज, कहना, गेट अप, खड़े होना, वेल डन, बहुत अच्छे, हैप्पी, खुश, गो, जाओ और वे, रास्ता। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन दर्ज झैल सवालात के जवाब देने हैं। ए में है वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग, जो लोग थे बस पर वो कहाँ जा रहे थे, लाहौर जा रहे थे। बी में है व्हाट इज़ मिसिज अली ड्रीमिंग अबाउट, मिसिज अली क्या ख्वाब देख रही थी, शालीमार गार्डन्स का। सी में है व्हाई डज द बस स्टॉप, बस क्यों रुक गई, बिकॉज अ काउ इज़ ब्लॉकिंग द रोड, क्योंकि एक गाय रास्ता रोके हुए थी सड़क का। डी में है हाउ डू द पीपल ट्राई टू मेक द काउ मूव, लोग कैसे अपनी कोशिश कर रहे थे उस गाय को हरकत कराने में, हिलाने में, बाय शाउटिंग, चिल्लाकर, क्लैप देयर हैंड्स, अपनी तालियां बजाकर अपने हाथों पर, एंड ब्लोज द हॉर्न और हॉर्न बजाकर। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स ई है हाउ डज मिसिज अली ट्राई टू मेक द काओ मूव, मिसिज अली ने कैसी कोशिश की कि वो काओ यानी गाय को हिला सके। मिसिज अली शाउट्स, मिसिज अली चिल्लाई। एफ में है व्हाट डज द ड्राइवर डू, ड्राइवर ने क्या किया, ही ब्लोज द हॉर्न, उसने हॉर्न बजाया। नेक्स्ट में है जी में हु मेक्स द काओ मूव हाउ, किसने गाय को हिलाया और कैसे, सलीम बाय ऑफरिंग सम ग्रास, सलीम ने हिलाया उसे थोड़ी ग्रास ऑफर करके। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स बी में है वर्किंग विद वर्ड्स, अल्फाज के साथ काम करना, राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस, इनके शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं इन क्वेश्चंस के। नंबर वन पे एट द बस स्टेशन, बस स्टेशन पर हाउ मैनी पीपल आर इन द बस, कितने लोग हैं बस में, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 10। वेयर इज़ द कंडक्टर स्टैंडिंग, कंडक्टर कहाँ खड़ा है, इन साइड द बस, बस के अंदर। सी में है वेयर इज़ द ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ है, इन हिज सीट, अपनी सीट पर। डी में है व्हाट इज़ मिसिज अली कैरिंग, मिसिज अली क्या लेके आ रही हैं, एन अम्ब्रेला, एक छतरी। नेक्स्ट में टू में है ऑन द वे टू लाहौर, लाहौर के रास्ते में। ए में इज़ द बस गोइंग फास्ट, क्या बस तेज़ जा रही है, येस वेरी फास्ट, जी बहुत तेज़। बी में है व्हाट इज़ मिसिज अली डूइंग, मिसिज अली क्या कर रही हैं, स्लीपिंग, वो सो रही हैं। वेयर इज़ द काओ, काओ कहाँ है, गाय कहाँ है, ऑन द रोड, सड़क पर। डी में है डज मिसिज अली मेक द काओ मूव, क्या मिसिज अली ने काओ यानी गाय को हिलाया, नो नहीं। नेक्स्ट में है सी में स्टूडेंट्स लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना, नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स, नामों वाले अल्फाज चीज़ों के लिए। नंबर वन में रीड द फॉलोइंग, इसको रीड करना है स्टूडेंट्स, पढ़ना है इनको। आसिम हैज़ अ बास्केट एंड टू बैग्स, ही इज़ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, आसिम के पास बास्केट और दो बैग हैं, वो एक जंगल में वॉक कर रहा है, चल रहा है। ही इज़ थ्रोइंग अ स्टोन, वो एक पत्थर फेंक रहा है। द स्टोन इज़ हीटिंग अ ब्रांच, जो पत्थर है वो शाख पर जाकर टकराया, हीट किया। नाउ गो मैंगोज़ आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, अब जो आम है वो ज़मीन पर गिर रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स बास्केट, बैग्स, फॉरेस्ट, स्टोन, ब्रांच, मैंगोज और ग्राउंड, ये हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं। द वर्ड्स विद द लाइन अंडर देम आर नेमिंग वर्ड्स, जिन वर्ड्स के नीचे लाइन है उनको नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, नामों वाले अल्फाज, और इसको नाउन भी कहते हैं। यू कैन ऐड एस और ई एस टू मेक नेमिंग वर्ड सिंगुलर और प्लूरल, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं एस या ई एस का,
और बना सकते हैं इन नामों वाले अल्फाज को सिंगुलर यानी अकेला और प्लूरल यानी बहुत ज़्यादा, जैसे डॉग डॉग्स इस तरह बना सकते हैं। व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज सिंगुलर, जब नेमिंग वर्ड नामों वाले अल्फाज सिंगुलर होंगे अकेले होंगे, इट मीन्स देयर इज़ वन थिंग, इसका मतलब है कि सिर्फ एक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल बास्किट। व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज़ प्लूरल, जब नामों वाले अल्फाज प्लूरल होंगे, इट मीन्स देयर आर मोर देन वन थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा चीज़ें और ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स नंबर टू में फाइंड एंड अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमने तलाश करने और अंडरलाइन करने नामों वाले अल्फाज को इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में। ए में है द ट्री इज़ नियर द हाउस, इसमें ट्री और हाउस के नीचे अंडरलाइन करना है क्योंकि ये नामों वाले अल्फाज हैं। बी में है द डॉग इज़ नियर द ट्री, डॉग जो कुत्ता है वो दरख्त के नज़दीक है, तो इसमें डॉग भी नाम है और ट्री भी नाम है। नाम किसी भी चीज़ का आ सकता है, इसमें किसी भी ट्री का आ सकता है, किसी डॉग का आ सकता है, किसी भी एनिमल का भी आ सकता है, बर्ड का भी आ सकता है, हाउस का भी आ सकता है, इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। सी में है द कैट इज़ ऑन द ब्रांच, बिल्ली शाख पर है, तो इसके अंदर है स्टूडेंट्स कैट को अंडरलाइन करना है और ब्रांच को अंडरलाइन करना है। और लास्ट पे डी में वेयर इज़ द बर्ड, तो इसमें सिर्फ बर्ड को अंडरलाइन करना है। डी में है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। नंबर वन पे रीड द वर्ड्स, अल्फाज को पढ़े, से द साउंड्स अलाउड, इनकी आवाज़ों को ऊंची कहें, जैसे एस एच में डिश स्प्लैश, तो इसमें आएगा स्टूडेंट्स वाश स्क्वैश और फिश। सी के में लॉक टिक लैक क्लॉक और सैक, एस टी में नेस्ट पेस्ट रेस्ट नेस्ट और बेस्ट, और टी एच में विद मौत क्लॉथ टूथ, तो ये एक दफ़ा और आ गया क्लॉथ, क्योंकि क्लॉथ पहले भी है था, तो टूथ के बाद टीथ भी आ सकता है, टी डब्ल्यू टी एच टीथ। लास्ट में स्टूडेंट्स नंबर टू में ऐड दीज टू द गिवन लिस्ट्स, जैसे ये जैकेट है, फिश है, ये जितनी भी चीज़ें हम इसको ऊपर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स ई में एक्टिविटी है, व्हाट आर दे सेइंग, ये क्या कह रहे हैं, टॉक अबाउट द पिक्चर, पिक्चर के मुतल्लिक बात करनी है, देन फिल इन द स्पीच बबल्स, फिर फिल करने हैं स्पीच बबल्स को। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट में है दे आर सेइंग, ये कह रहे हैं द कंडक्टर, कंडक्टर कह रहा है वी विल नॉट बी लेट नाउ, हम अब लेट नहीं होंगे। नेक्स्ट में ये जो लड़की खड़ी है मिसिज अली है, ये मिसिज अली, यू आर क्लेवर सलीम, आप चलाक हैं सलीम। नेक्स्ट में सलीम कह रहा है काउज लाइक ग्रास, सलीम कह रहा है कि गाय को घास पसंद है, और एंड पे काओ अपनी आवाज़ निकालिए मुंह मंच मंच। स्टूडेंट्स ऑन दी बस की आज एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।